नमस्कार दोस्तों। तो आज हमारे साथ हैं आजम भैया, जो एक एक्सपर्ट गार्डनर हैं और ये काफ़ी सारे गार्डन्स भी प्रिपेयर करते हैं। तो आज ये हमको बताने वाले हैं कि मधुकामिनी का जो पौधा होता है उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग कैसे लें। आप ये देख ही सकते हो, हमारे सामने एक प्लांट रखा हुआ है और छोटे से पॉलीबैग में लगा हुआ है। 12 इंच का ये पॉलीबैग है और आप देख सकते हो पूरा जो पौधा है ये फ्लावर से भरा हुआ है। तो नमस्कार भैया। नमस्कार प्रियांश भाई, कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया। तो चलिए बताइए भैया कि इस पौधे को कैसे तैयार किया जाए और इसमें क्या क्या चीज़ों को ध्यान रखना होता है ताकि उस पर इस तरीके की हैवी फ्लावरिंग हो सके। प्रियांश भाई, मधुकामिनी के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो मधुकामिनी एक घर के लिए बेस्ट प्लांट है। घर हो, ऑफिस हो, या फिर कोई कैफे टाइप का हो, या फिर रेस्टोरेंट टाइप का, कुछ भी किसी भी जगह पर इसको हम बेस्ट तरीके से मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि ये एक परमानेंट प्लांट है। परमानेंट मतलब कि जैसे हमारे यहाँ 3 तरह के मौसम आते हैं, विंटर भी होती है, समर भी होती है, फिर रेनी सीजन भी आता है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि ये 12 के 12 महीने खूबसूरत दिखता है। गर्मियों में जैसे हमारे पास में गार्डन में फ्लावरिंग कम हो जाती है, तो फिर ये हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन रहता है कि इसमें हमें गर्मियों में फ्लावर मिल जाते हैं। बहुत अच्छे फ्लावर होते हैं, खूबसूरत दिखते हैं और फिर खुशबू भी मिल जाती है। तो क्या होता है कि गर्मियों में हमारे जो फ्लावर की कमी है उसको पूरा करने के लिए बेस्ट ऑप्शन है मधुकामिनी। जब इसके ऊपर फ्लावर नहीं होंगे तो फिर क्या होगा कि इसके पत्तियां हमें बहुत ज़्यादा सुंदर दिखेगी, पत्तियों में हमेशा शाइनिंग रहेगी, पतझड़ नहीं होगी और एक बेस्ट प्लांट है। आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं कहीं के लिए भी। तो सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में बताऊं, इसके पॉट के बारे में। पॉट इसका आप 12 इंची ले सकते हैं, 12 इंची प्लस भी ले सकते हैं। उसमें जो पॉट आपका बड़ा और छोटा होगा उससे ये बेनिफिट हो जाता है कि जैसे बड़ा प्लांट होगा तो उसको बड़ा पॉट चाहिए होता है, बड़े पॉट में फ्लावरिंग अच्छी होगी, प्लांट ग्रोथ अच्छी करेगा और आपके प्लांट को चलने में थोड़ा आसानी हो जाती है। स्पेस कम है तो छोटा प्लांट भी इस्तेमाल कर सकते हैं और छोटा पॉट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे क्या होता है कि कम जगह में फ्लावरिंग भी मिलेगी, बस ये फ़र्क होगा कि प्लांट थोड़ा सा कम ग्रोथ करेगा। इसके बाद यदि मैं बात करूँ इसकी फर्टिलाइज़र के बारे में कि इसको हम लगाते कैसे हैं, इसमें हमें खाद मिट्टी की ज़रूरत होती है, वर्मी कंपोस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके बाद जैसे हमारा प्लांट तैयार हो जाएगा, ग्रोथ इसके शुरू हो जाएगी, एक बार फ्लावरिंग अच्छी हो जाएगी, तो फिर हम इसको गुड़ाई कर सकते हैं। वीकली गुड़ाई करने के बाद में इसमें हमको देनी होती है DAP के दाने, DAP इस्तेमाल कर सकते हैं हम। और DAP के साथ में सरसों की खल का पानी बना के, वो इसके लिए बहुत ही बेस्ट होता है और फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी करता है, उसके साथ इसको हम बहुत ही खूबसूरत बना सकते हैं। प्लांट की बात करें तो ये सामान्य सा प्लांट है, सभी नर्सरी में आपको नेचुरल मिल जाएगा, लेकिन यदि आपके घर पे ये प्लांट है तो आप इसको कटिंग से भी तैयार कर सकते हैं। और इसके ऊपर सीड भी आता है, जैसे आपकी फ्लावरिंग ख़त्म होगी तो इसके ऊपर थोड़ी छोटे छोटे से फ्लावरिंग के बाद में आपको दिखेगा एक छोटा सा जो इसका सीड्स बन जाता है, उसको आप मिट्टी पर दबा देंगे तो वो जनरेट हो जाता है। इसके अलावा यदि आप इसको कटिंग से तैयार करना चाहें तो फरवरी बेस्ट है, फरवरी में लगभग ये तैयार हो जाता है। और नहीं होगा तो फिर रेनी सीजन सबसे बेस्ट होता है। रेनी सीजन में 100% जितनी भी आप कटिंग लगाएंगे वो सारी की सारी जनरेट हो जाती है और उससे आप इसका नया प्लांट ग्रोथ कर सकते हैं। एक और ज़रूरी चीज़ मैं आपको बताऊं कि इसकी कटिंग के लिए, इसकी जो हार्ड कटिंग होती है वो भी चल जाती है और सॉफ्ट कटिंग भी चल जाती है, यानी अगर आप इसकी सॉफ्ट कटिंग लगाएंगे यहाँ से काट के तो वो भी चल जाती है। और यदि नीचे से इसकी जो ये ब्लैक एरिया हो रहा है इसको आप दिखाएंगे नज़दीक से तो ये भी चल जाता है। इसकी कटिंग सभी तरीके से हो जाती है और रेनी सीजन बेस्ट होता है कटिंग लगाने के लिए। इसकी जो प्रूनिंग ज़रूरी होती है, जैसे फरवरी के बाद में ये प्लांट ग्रोथ करता है, ग्रोथ करने के बाद में इसको थोड़ा थोड़ा सा प्रूनिंग करना होता है, ऊपर ऊपर से सॉफ्ट सॉफ्ट कटिंग इसकी प्रूनिंग कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि प्लांट ग्रोथ अच्छी करेगा, फिर प्लांट भर जाएगा, तो जितना प्लांट भरा हुआ होगा उतनी ही फ्लावरिंग भी इसकी खूबसूरत आएगी और जितनी ज़्यादा ब्रांचेस निकलेगी उतनी ही ये कलियाँ बनाएगा, कलियों के साथ में फिर फ्लावरिंग भी उतनी बेस्ट होगी। तो क्या होगा कि पूरा प्लांट आपको वाइट दिखेगा और इतनी ही ज़्यादा सुंदरता उसकी निखर के सामने आएगी। इसके बाद मैं अगर बात करूं इसकी ऊपर से केयर करने के बारे में तो मैं बताता हूं इसकी स्प्रे के बारे में। मधुकामिनी में सबसे ज़्यादा एक छोटा छोटा सा बारीक बारीक वाइट कलर का कीड़ा देखने को मिलता है, उसके लिए आप इसमें थायमोएक्साम का स्प्रे कर सकते हैं। थायमोएक्साम 1 लीटर पानी में लगभग 1.5 ml उसको मिला के उसको इसके ऊपर स्प्रे कर सकते हैं। वीकली कर दें तो प्लांट बहुत ही सुंदर दिखेगा, 15 दिन में भी कर सकते हैं, उससे आपका प्लांट बेस्ट रहेगा और ये निरोगी रहेगा। निरोगी प्लांट होगा तो उसकी ग्रोथ और उसकी फ्लावरिंग अपने आप में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखेगी। जैसे हमने अभी बात की इसके ऊपर केमिकल पेस्टिसाइड के बारे में,
तो ये क्या होता है कि पर्यावरण के लिए ख़तरनाक होता है। अभी क्या होता है कि हम जैविक की तरफ और ऑर्गेनिक की तरफ बढ़ रहे हैं, तो उसके लिए बेस्ट ये होता है कि आप इसमें नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं। उससे भी बेस्ट मैं आपको नेचुरल घर में बनाने वाली एक चीज़ बताऊं, तो नीम के पत्तों को आप एलोवेरा के साथ में पानी के अंदर गर्म करके उबाल के उसको आप एक डब्बे में पैक करके रख सकते हैं, और उसमें से आप 100 ml पानी में, 1 liter पानी में उसको मिला के इसके ऊपर या अपने घर में जितने भी प्लांट है सभी के ऊपर स्प्रे कर सकते हैं। तो ये क्या होता है, ये हमारे नेचुरल चीज़ें होती हैं और ऑर्गेनिक हो जाता है, और फिर हमारे पर्यावरण के लिए ये सारी की सारी चीज़ें अच्छी होती हैं और हमारे लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक होती हैं। अब आखिरी और सबसे ज़रूरी चीज़ इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा कि कुछ लोग नर्सरी से प्लांट लेके आते हैं, उनका प्लांट ख़राब हो जाता है। उसके पीछे सबसे बड़ा जो रीज़न होता है वो ये होता है कि वो प्लांट लेके आते हैं और उस प्लांट को केयर के चक्कर में, धूप से बचाने के चक्कर में, उसको ज़्यादा लंबे तक चलाने के चक्कर में उसको हम छाया में रख देते हैं। तो उससे क्या होता है, ये प्लांट धूप का प्लांट है तो वो छाया में जाने के बाद में उसकी पत्तियाँ और वो प्लांट कमज़ोर होते होते वो ख़त्म हो जाता है। इसलिए मैं आपको बताऊंगा कि इसकी बेस्ट फ्लावरिंग और इसकी बेस्ट शाइनिंग के लिए आप इसको धूप में रखें तो ये बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग और सुंदरता के साथ में आपके घर में दिखेगा और उससे आपका रिजल्ट बहुत अच्छा है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो में दी गई सभी की सभी जानकारी आपको पसंद आई होगी, और आने वाले समय के लिए मैं आपको बताऊँ कि हम आपके लिए और ज़्यादा अच्छी वीडियोज़ बनाएंगे जिसमें आपको आपके प्लांट्स के प्रति जानकारी मिलेगी, उनके ऊपर स्प्रे करने की जानकारी, उसका फर्टिलाइज़र के बारे में जानकारी, और प्लांट कैसे आपके हेल्दी रहेंगे ताकि आपका घर भी हंसता मुस्कुराता और सुंदर दिखे। उसी के साथ, इसी के साथ में हम आपके लिए और ज़्यादा वीडियोस लेके आते रहेंगे।